हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ हम वहाँ पे अप्लाई करते थे कि जहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि इधर द सर्किट या रेसिस्टेंस जो है वो किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट होता था, देन हम वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा कर हम उसकी इक्वेशंस बना के सॉल्व करते थे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट करती हूँ, मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ लगा है और ऐसे ही एक रेसिस्टेंस यहाँ है और एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में एक डिवाइस लगी हुई है, दैट इज गल्वेनोमीटर। अभी आपने पढ़ा भी होगा 10th स्टैंडर्ड में गल्वेनोमीटर इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि क्या होता है गल्वेनोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू चेक वेदर देर इज़ अ करंट इन सर्किट और नॉट। यानी कि अगर चेक करना है कि हाउ मच इज़ द करंट, तो हम भी एमीटर हम यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर हम वहाँ पर सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हाँ जी करंट है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है, पता है ना, हमें एक जीरो पे होती है, इधर जाते हैं तो इस टाइप का करंट आ रहा है, उल्टी साइड तरफ जा रहे हैं तो उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी है, तो वो डिवाइस हमें बताती है। गल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस जो हमें बताती है कि हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जीरो पे होती है तो नो करंट होता है, ठीक है, नो करंट है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों तरफ जो करंट है वो बैलेंस करंट है, राइट। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि उसकी डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि वेदर द करंट इज इन द सर्किट और नॉट, ठीक है या नहीं है, या फिर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मान लो ये आपके पास ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, इसको हमने लगा दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है, इसकी वोल्टेज वी, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है आई, करंट जा रहा है। अब ये आई जो है ए बी यहाँ पे डाल देते हैं सी और ये डाल देते हैं डी, ठीक है। अब आई करंट जो है वो आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा दो के अंदर, ठीक है, इसको मान लेते हैं हमारा आई वन जा रहा है इधर, ये आ रहा है आई टू जा रहा है। इन रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं, आर वन दे देते हैं, इसको आर टू, इसको आर थ्री और इसको आर फोर दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से करंट आई वन गया, ठीक है, अब यहाँ पर जाकर अब ये दो पार्ट में और टूट जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। इधर जो आ गया उसको हम मान लेते हैं आई जी करंट आ गया इस साइड की तरफ, ठीक है। अब आगे की तरफ कौन सा करंट जाएगा, इधर करंट कौन सा जाएगा, अभी के मान लेते हैं आई थ्री गया, सच दैट आई वन इक्वल्स टू आई जी प्लस आई थ्री, तो आई वन टूट गया इनके अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ की अगर हम बात करते हैं, करंट तो इस साइड की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ से ये करंट आ रहा था, यहाँ से ये करंट आ रहा था, यहाँ से जाएगा करंट कौन सा, इन दोनों का सम जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर ये दोनों आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे ये आ रही हैं तो यहाँ पर जो जाएगा वो क्या जाएगा, आई टू प्लस आई जी जाएगा करंट यहाँ पर, विच इज इक्वल टू आई फोर, ठीक है। और आई थ्री की अगर हम बात करते हैं तो आई थ्री में देखो, आई थ्री की अगर हम बात करते हैं तो आई थ्री में देखो कैसे जाएगा ये करंट, आई थ्री की क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ये आई वन आया था और इसमें से आई जी निकल गया, तो आई वन में से आई जी निकल गया, वो जो बचा आई थ्री वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब गया कौन सा करंट था, आई करंट गया था, अब आ कौन सा रहा है करंट, अब इन दोनों को देखो, माइनस का आई जी है प्लस का आई जी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आई वन प्लस आई टू ये बचेगा, तो यानी कि यहाँ से करंट जो वापस आ रहा है वो आ रहा है आई वन प्लस आई टू, यही तो टूटा था आई वन और आई टू के अंदर, है ना। तो आप देख सकते हो कि जितना करंट सर्किट से निकलेगा उतना ही करंट वापस आएगा, विच इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने सर्किट के अंदर गड़बड़ हुई आपकी, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्किट आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि किरचॉफ में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है, तो इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरीके से एक ब्रिज बन रहा है टू रेसिस्टेंसेस के बीच में, राइट। जैसे कि यहाँ पर आर वन है और आर टू है, दूसरी तरफ जाना है आर थ्री और आर फोर की तरफ,
बीच में एक ब्रिज बन रहा है जो एक गल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और वहां पर एक आईजी करंट जा रहा है, राइट? तो इसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। नाउ यहाँ अगर हम बात करते हैं कि हम एक इसका एक पर्टिकुलर स्पेशल केस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो क्या है, इसकी एक स्पेशलिटी क्या है? इसकी एक स्पेशलिटी ये है, एक स्पेशल केस इसका ये है कि मान लो अगर इफ करंट जो गल्वेनोमीटर में जा रहा है वो जीरो है, आईजी अगर जीरो है, देन यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि इनके जो रेशो होता है, इनका जो रेसिस्टेंसेस का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है? तो ये इसका, जैसे मान लो कि अगर आपको R1 5 दे रखा है, R2 10 दे रखा है, R3 आपको फाइंड करना है और R4 आपको दे रखा है 20, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, चारों में से कोई एक पूछा हो आपसे तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो इफ़ IG is given कि वहाँ पर उस ब्रांच में, उस ब्रिज में जो करंट जा रहा है वो जीरो जा रहा है। तो यहाँ से आप R3 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10 ओम आ जाएगा। तो देखो 5/10, 10/20 कैंसिल हो के 1/2, 1/2 रेशो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है? एक तो हम इसके ये फाइंड कर सकते हैं, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि प्रैक्टिकली मान लो आपको कोई भी एक ऐसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है, लैब में बोल दिया गया है और आपको बोल दिया गया है कि ये चार रेसिस्टेंसेज हैं, चार में से तीन दे रखे हैं, एक आपको फाइंड करना है और वहाँ पर अभी आपको नहीं पता कि आईजी जीरो है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ इस तरीके का सेटअप देखना पड़ेगा कि मान लो जैसे कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, ये रहा गल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड यहाँ रेसिस्टेंस है, तो अगेन ये आपको 5 ओम दे रखा है, ये आपको 10 ओम दे रखा है, ये आपने कैलकुलेट करना है और ये दे रखा है आपको 20 ओम दे रखा है, ठीक है? अब आपको R3 कैलकुलेट करना, तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास ना एक चीज़ होगी, एक स्पेशल चीज़ होगी कि हाँ भाई एक रेसिस्टेंस एक वेरिएबल है आपका, आप वहाँ पर उसको ना चेंज कर सकते हो। कैसे? मान लो ये यहाँ पर ना 20 के बजाय ना 15 लिखा होता, ठीक है, तो आप इसकी ना नोड को घुमाते रहते और अगर 15 लिखा हुआ है और यहाँ पर गल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो हो रही है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई करंट आ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई करंट आ रहा है, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन है, तो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आईजी जो है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब आईजी जीरो के इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि जो हमारा सर्किट है वो क्या है, एक बैलेंस्ड बन चुका है, बैलेंस्ड ब्रिज बन गया है। जब वो बैलेंस्ड बन जाएगा तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फाइन? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी नोड को घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे। हम 17 ओम पे लेके गए, अभी भी ये जो था ये थोड़ा सा घूम के इधर ही आया, ठीक है, फिर हम 19 ओम पे गए, फिर ये इधर घूम के आए, जैसे हम 20 ओम पे पहुंचे ये बिल्कुल सेंटर में आ गया इसका एरो। सेंटर में आने का मतलब हो गया कि ये डिफ्लेक्शन जीरो, यानी कि अब गल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या जा रहा है, जीरो आ रहा है। तो जैसे हमने इसको घुमाया वेरिएबल रेसिस्टेंस, तो जैसे 20 ओम पे पहुंचे यहाँ गल्वेनोमीटर ने शो किया कि भाई हम अब हमारे पास जीरो करंट है, मेरे पास कोई करंट नहीं आ रहा, विच इम्प्लाइज दैट आईजी जो था वो हो गया है अब जीरो। जैसे आईजी आपके पास जीरो हुआ, नाउ यू कैन अप्लाई R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, ये बैलेंस्ड वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फिर आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे जिस वैल्यू पे आपका आईजी जीरो आया था, तो वो वैल्यू पुट करेंगे, पहले वाली वैल्यू जो फिक्स रखी हुई थी वो पुट करेंगे, वहां से आप क्या करेंगे I3 फाइंड करेंगे। तो ये है इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप लैब्स में काम करेंगे। तो अब करते हैं इसकी एक डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे लूप लेंगे और किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। जो लूप लेंगे सबसे पहले क्लोज लूप लो, ये वाली लूप बन रही है आपके पास, ठीक है, लूप लेते हैं हम ACDA। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाओ, यहाँ के लिए गया I1 R1, फिर यहाँ से इधर आया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या, इसके गल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को हम जी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा IGG, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे गया, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लग जाता है, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वहाँ के लिए हम प्लस लगाते हैं, जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं करंट के तो हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस I2
आर टू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ऐसे शुरू किया था ए पे ही हम आ गए हैं, तो क्या हम लगा देंगे इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने कंडीशन क्या अप्लाई करी है, इफ आई जी इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन है। तो आई जी अगर जीरो है तो ये पोर्शन तो जीरो हो गया, क्या बचा आपके पास, आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन राइट आई वन आर वन इधर चला जाएगा इक्वल्स टू आई टू आर टू, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, अब सेकेंड लूप आप ये ले सकते हैं, इधर की लूप चला सकते हैं, राइट। तो इसमें आप या तो ऐसे शुरू करो या ऐसे शुरू करो, एक ही बात है, ठीक है। हम ऐसे चल लेते हैं, ओके ओके। जब हम ऐसे चल रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, या तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा आई फोर और साथ में आर फोर, ठीक है। लेकिन करंट की डायरेक्शन ये है और हम यहाँ से जा रहे हैं तो इसके आगे क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। फिर इधर चलते हैं, यहाँ पर भी क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है लेकिन हम उधर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लगेगा। तो माइनस इसका करंट क्या हो जाएगा, आई जी, और साथ में इसका जो रेसिस्टेंस हो गया जी हो गया। तो ये कौन सी लूप हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बी डी सी बी, ये वाली लूप ले रहे हैं हम, ठीक है। ओके, अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ हम आ रहे हैं तो यही डायरेक्शन है, तो यहाँ के लिए पॉजिटिव रहेगा, प्लस आई थ्री आर थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। बी पे ही आ गए हम, तो घूम के आ गया हमारे पास जीरो। अगेन आई जी जीरो है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा आपके पास, माइनस का आई फोर आर फोर प्लस का आई थ्री आर फोर, ठीक है। तो हम ये इसको एज इट इज रख देते हैं, आई थ्री आर थ्री इधर आ जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा आई फोर आर फोर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आई थ्री किसके इक्वल था, आई थ्री था आई वन माइनस आई जी के, है ना। तो हम आई थ्री की जगह पर आई वन माइनस आई जी लगा सकते हैं, इंटू आर थ्री हो जाएगा। आई फोर किसके इक्वल था, आई टू प्लस आई जी के इंटू आर फोर। अब आई जी तो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं वो जीरो कंडीशन पे, तो यहाँ से अगर इन दोनों की जगह पे मैं जीरो पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई वन आर थ्री इक्वल्स टू आई टू आर फोर। तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग वन बाय टू। तो फर्स्ट है आई वन आर वन अपॉन में, सेकेंड क्या आएगा, आई वन आर थ्री इक्वल्स टू, इधर के लिए क्या आएगा, आई टू आर टू, इधर आएगा आई टू आर फोर, ठीक है। आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू, क्या बचा आपके पास, आई वन आर थ्री इक्वल्स टू आर टू बाय आर फोर। तो दिस इज द रेशो, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, इधर आ सकता है आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, जो आपको बताती है कि अगर जीरो, अगर आई जी जीरो है तो ये कंडीशन है, या अगर ये कंडीशन है तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अप्लाई करना है। कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा कि हाउ टू अप्लाई दिस थिंग, ठीक है। जैसे कि फोर आर्म्स दे रखी है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की, हैविंग द फॉलोइंग रेसिस्टेंसेस, ए बी में 100 है, बी सी के अंदर 10 है, सी डी के अंदर 5 है, डी ए के अंदर 60। एक गल्वेनोमीटर जो 15 ओम का रेसिस्टेंस जिसका खुद का है उसको कनेक्ट कर दिया है बी डी के क्रॉस। हमें करंट निकालना है थ्रू गल्वेनोमीटर, यानी कि गल्वेनोमीटर करंट थ्रू, मतलब कि आई जी की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें जो वोल्टेज दे रखी है वो क्या दे रखी है, 10 वोल्ट हमें बोल रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन यही लूप्स लगाएंगे, और लूप्स लगा के हम इक्वेशंस निकालेंगे आई वन आई टू में आई जी में, देन उसको बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी लूप देखते हैं, यहाँ से लेकर ये वाली लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है, तो ये लगाते हैं। तो ये बनेगी आपके पास, दिस इज द लूप ए बी डी, ये लूप बनेगी, ठीक है।
तो इसके लिए लगाते हैं, सबसे पहले ये आ जाएगा आपके पास करंट की डायरेक्शन में जा रही है, तो आई आर दैट इज आई वन और आर के लिए हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, फिर अगेन हम करंट की डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं तो प्लस आई जी और इसके लिए आर आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब हम करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60 आई टू इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आप 15 तो नहीं आ रहा कॉमन, है ना, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 आई वन प्लस 3 आई जी माइनस 12 आई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी लूप देख लेते हैं, ये वाली लूप देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ तक वापस जाएंगे तो अब ये लूप कौन सी हम लगा रहे हैं, ये है आपके पास सी डी बी सी, ये वाली लूप है। ठीक है, तो इसको लगा के देखते हैं, ये आएगा यहाँ पर करंट जो है वो है आई टू प्लस जी है एंड जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है और हम ऑपोजिट जा रहे हैं तो बाहर माइनस लगेगा, माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू 5। ठीक है, फिर से हम इधर जा रहे हैं लेकिन करंट इधर है तो यहाँ के लिए भी माइनस लगेगा, तो माइनस आई जी इंटू 15 रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ हम आ रहे हैं और करंट इसी डायरेक्शन में है तो यहाँ के लिए पॉजिटिव और यहाँ का जो करंट है वो है आई वन माइनस आई जी, तो यहाँ के लिए करंट हो गया आई वन माइनस आई जी और रेसिस्टेंस हो गया 10 और घूम के यहीं पर आ गए, ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस आई टू माइनस 5 भी है ना, तो माइनस 5 आई टू माइनस 5 आई जी माइनस आई जी इंटू 15 प्लस 10 आई वन माइनस 10 आई जी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आई वन कितना है, यहाँ पर 10 आई वन है। ठीक है, आई टू है माइनस 5 आई टू है। ठीक है, एंड आई जी के लिए 3 टर्म्स हो गई तो ये सभी के सभी माइनस में तो प्लस हो जाएंगे ये। ठीक है, ये हो गया माइनस 20 एंड ये हो गया माइनस 30 आई जी इक्वल्स टू 0। अब इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 आई वन माइनस आई टू माइनस 6 आई जी इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने दो लूप से दो इक्वेशंस निकाल ली हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू आई जी की, राइट। तो आई जी के लिए हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स 3 है, आई वन आई टू एंड आई जी है, तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। 3 इक्वेशन के लिए अब हमें थर्ड लूप ढूंढनी है, तो थर्ड लूप ऐसे भी बन सकती है, क्लोज लूप लेनी है तो थर्ड लूप आपकी ऐसे भी बन सकती है। तो ये छोटी लग रही है तो इस वजह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज ए डी सी ई एंड ए। तो हम लूप ले रहे हैं ए डी सी ई एंड फिर से ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं एंड ये हो जाएगा आपका 60 ओम, ये है आई टू, तो ये हो जाएगा 60 आई टू। फिर से हम इन द डायरेक्शन जा रहे हैं, देन है आपके पास आई टू प्लस आई जी और रेसिस्टेंस है कितना, 5, तो ये हो जाएगा 5। फिर से हम इन द डायरेक्शन करंट जा रहे हैं बट यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 60 आई टू प्लस 5 आई टू प्लस 5 आई जी माइनस का 10 आके प्लस का 10, ये हो जाएगा 65 आई टू प्लस 5 आई जी इक्वल्स टू 10। 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15 आई जी और ये 5 जो हमने कॉमन लिया यहाँ पर ये 10 है, कैंसिल करके यहाँ आ गया 2, तो 13 आई टू प्लस आई जी इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2। तो ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इनका हम यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम आई जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करना है हमने आई जी। हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन उठाएंगे, जैसे कि मान लो यहाँ से हमने आई जी ली, इसमें से 2 माइनस 13 आई टू ये एक वैल्यू आ गई है आपके पास, राइट। यही वैल्यू अब आप फर्स्ट में पुट कर दो,
सेकंड में पुट कर दो, वहां से जो इक्वेशंस आएंगे वो दो वेरिएबल में आएंगे, देन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो 20i1 + 3ij की जगह पे ये पुट कर दो, -13i2 - 12i2 = 0। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। 20i1 - 6 - 39i2 - 12i2 = 0। दिस इज 20i1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज माइनस 51i2 - 6, इधर आके हो गया +6। तो एक और इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब यही ij की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया 2i1 - 2i2 - 6ij की वैल्यू फिर से यही 2 - 13i2 = 0। इसको ओपन कर लेते हैं। 2i1 - 12 - - माइनस प्लस हो जाएगा 78i2 = 0। ठीक है, तो ये हो गया 2i1 + -, ये हो जाएगा प्लस का 77i2 - 12, इधर आके हो जाएगा +12। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। तो अब ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं इसे। तो ये आ जाएगी आपके पास 20i1 + 770i2 = 120। ठीक है, और पहले वाली इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी, इसको नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पर 20i1 - 51i2 = -6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस कैंसिल, ये आ जाता है आपके पास 121 डिवाइड में 126। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिवाइड में 821। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन थी, ये थी IG की वैल्यू, दैट इज IG = 2 - 13i2, ये था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 13 × I2 की 126 / 821। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 13 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1638 821 IG। देन इसको हम एलसीएम ले लेंगे 821, तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 4s are 1642 - 1638। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस करेंगे इसको तो दिस विल बी इक्वल टू 12 and 8 है, तो आएगा 4 / 821। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.00487 एंड सो ऑन। ठीक है, एम्पियर्स में आएगा, तो अगर मैं स्टार्टिंग की तीन डिजिट्स के बाद करूं तो ये आ जाएगा 0. ये हटा देते हैं अगर स्टार्टिंग की डिजिट्स, तो मेरे पास आएगा 4.87 मिली एम्पियर्स। तो आप अपना आंसर एम्पियर्स में भी छोड़ सकते हैं और अपना आंसर मिली एम्पियर्स में भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया है आईजी। ठीक है, तो हमने तीन इक्वेशंस बनाई, तीनों इक्वेशंस के लिए हमने वैल्यू सॉल्व करी एंड देन लास्ट में आईजी फाइंड किया है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।